नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अब सिर्फ राम मंदिर में रामलला के दर्शन ही नहीं होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय की भव्यता भी आकर्षित करेगी। इसके लिए म्यूजियम की छत ऊंचे पिरामिड की तरह दर्शाई जाएगी जिसका नजारा दूर से ही दिखाई देने लगेगा। इसके मुख्य गेट पर पहुंचते ही रामायण के प्रसंग पर आधारित राम दरबार के दर्शन भी होंगे। संग्रहालय के बंद कमरे में हवा में उड़ता हुआ पुष्पक विमान संपूर्ण भारत का दर्शन भी कराएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक कुछ ऐसी परिकल्पना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रामनगरी यानी कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अब सिर्फ राम मंदिर के दर्शन ही नहीं होंगे बल्कि साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय की भव्यता भी लोगों को अपनी ओर खींचेगी। संग्रहालय के बंद कमरे में हवा में उड़ता हुआ पुष्पक विमान पूरे भारत के दर्शन कराएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक कुछ ऐसी परिकल्पना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण की 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन राम कथा संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में तैयार किए जाने के लिए मंथन किया गया है। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय म्यूजियम के एक्सपर्ट्स के साथ कार्यदायी संस्था के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में तैयार किए जाने की योजना की जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के लिए राम भक्तों के सैकड़ों वर्षों तक किए गए कानूनी संघर्ष ASI के द्वारा जून 1992, दिसंबर 1992, 2003 और 2021 में राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के दौरान पाए गए पुरातत्वकालीन राम मंदिर के अवशेष के साथ साथ संपूर्ण धरा पर विख्यात राम के चरित्र का विभिन्न भाषा शैलियों में चले आ रहे बखान का अवलोकन अब राम भक्त शोधकर्ता इतिहासकार और पर्यटकों के लिए एक रामकथा संग्रहालय को पुनः निर्माण करवाया जाएगा। भारत के बाहर भी राम है। आज जो मुस्लिम देश हैं आज हैं, वो पहले नहीं थे। तो आज जो मुस्लिम देश हैं यानी जहाँ की राज्य सत्ता, जहाँ का बहुमत इस्लाम का अनुयायी है, वहाँ कभी न कभी राम थे। वहाँ आज भी राम की लीलाओं का मंचन होता है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया, बाली। तो भारत के बाहर राम किस रूप में है, कहाँ कहाँ है, इसका दर्शन इस संग्रहालय में हो, इस पर छोटी छोटी बातों पर रोज चर्चा होती है, आज भी हुई। नट कठपुतली का खेल, वो भी राम को खिलाते हैं, दिखाते हैं, किस रूप में दिखाते हैं, ये भी यहाँ पर दर्शन हो, ये हमारी योजना का हिस्सा है। हमने सुना है कि कभी कोई पुष्पक विमान था, लेकिन ऐसा कोई एक कमरे के अंदर किसी विमान में बैठे, कृत्रिम विमान, और वो विमान उड़ रहा है और सारा भारत और लंका दिखा रहा है, ये भी एक कल्पना है, वो यहाँ साकार करेंगे। बच्चों को, बड़ी आयु के लोगों को शायद ये अच्छा लगेगा। तो मुकदमा चला, मुकदमे के डॉक्यूमेंट है, अगर कोई वकील है, कोई इतिहास का छात्र है, तो उन डॉक्यूमेंट की बारीकियों में जा सकता है। आज नहीं जाएगा, 50 साल बाद जाएगा, तो उसका संग्रह यहाँ अवेलेबल रहेगा। अदालत के कागज हैं, कम से कम 25 से 30 हज़ार कागज दस्तावेज हैं, उनका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ के चिंतन का एक पहलू है, एक अंग है। तो क्लिक करो, वही मिलेगा। जून 1992, दिसंबर 1992,
2003 2021 में ज़मीन से बहुत कुछ मिला है, वो सब सुरक्षित रखा है, कोर्ट की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है। उसमें से डुप्लीकेसी को अवॉइड करके किन चीज़ों को निकाला जा सकता है, यानी म्यूज़ियम का मतलब क्या है, वस्तुओं का संग्रह, ये एक पहलू, और संग्रहित वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण, डिस्प्ले इस ढंग से हो ताकि उसमें एक को देखने के बाद दूसरे को देखने की रोचकता निर्माण हो। इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर यहाँ विचार हुआ है। उस अनुरूप इस बिल्डिंग को रीशेप, रीमॉडलिंग कैसे करना, बिल्डिंग तो बनी हुई थी तो खंभे नहीं तोड़ेंगे, आउटर वॉल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इंटीरियर तो रीफ्रेम करेंगे। तो वो इंटीरियर को रीफ्रेम कैसे करोगे ताकि व्यक्ति को देखने की सीक्वेंस बनी रहे, इन बातों पर आज यहाँ मुश्किल से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। देखा जाए तो अयोध्या यानी कि रामनगरी ये केवल एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों भक्त जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर ये म्यूजियम बनता है तो यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ भक्त एक बार फिर से अपने श्री राम लला के साथ जुड़ पाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।